फौज की नौकरी माजी चैना बॉर्डर माँ बिचारी बैठी भली अपना घर माँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है आरती रावत, मेरा गांव है रुद्रप्रयाग जिले के खूबसूरत गांव पालीसिंधी से। तो अभी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है अपने घर से, तो आप सभी लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के टाइम से और 4:30 बजे से हो रही है। तो आज मौसम देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि आज मतलब रात तक बारिश आ जाएगी। बाकी वानी अभी ना आजकल बहुत ज्यादा बिजी होने के कारण हम लोगों को ना छत में जाने का टाइम भी नहीं मिला, तो काफी टाइम बाद आज छत के दर्शन कर रही हूँ। तो चलते हैं छत पे। छत पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तो मैं भी चलती हूँ छत पे। छत से ना इधर उधर के नजारे होते हैं जो, वो साफ दिखाई देते हैं। वैसे चौडांडियों पोर सरंग गगनांद हिरी रिरी पाती दे बरखा झुकी आंद कोयड़ी लौकली सोना का मैना बे कानो के रेण खुद तेरी लगली सोना का मैना बे कानो के रेणा। तो अभी तो सावन का महीना तो नहीं लगा है, सावन के महीने की बारिश तो अजीब जैसी होती है, पर आज की बारिश भी कुछ ठीक नहीं लग रही है क्योंकि आंधी तूफान बहुत ज्यादा आ रहा है। तो चाय पीते पीते ना मुझे एक गीत याद आ रहा है, मेरे हाथ में जैसे ही चाय का गिलास आया वैसे ही रोड पे देखो बाइक चल रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, मेरी आवाज कट फट करके आएगी रोड पे। ज्यादा रोड के नजदीक भी घर अच्छा नहीं होता है ना। चाको पानी चूल्हा मधनी होली जरा सी मैं भी याद कनी होली चाको पानी चूल्हा मधनी होली जरा सी मैं भी याद कनी होली हे सुआ आग वली भबरानी तेरी जिकुड़ी अख झर जुरानी मेरी फौज की नौकरी मेरी प्यारी बॉर्डर में लड़ लगी भारी फौज की नौकरी मेरी प्यारी बॉर्डर में लड़ लगी भारी बिस्तरो बिस्यू छोनी वत पलंग छप छुपो बिन सिरिम गिलास मिले चाकू टप टुपो हुक भरी कसम देनी सिराणा धर गेनी सम दियोला का दुई दिन समलोण्या वे गेनी सम दियोला का दुई दिन समलोण्या वे गेनी सम देनी तुम्हारा हाथ की रस्याण देख्या बन सम देनी तुम्हारा हाथ की रस्याण देख्या बन सम दियोला का दुई दिन समलोण्या वे गिन सम दियोला का दुई दिन समलोण्या वे गिन। तो ये वाला गीत मेरे बचपन का फेवरेट गीत था, स्कूल में गाती थी। अब मैं उस तरह से गा भी नहीं पाती हूँ इस गीत को, तब बहुत अच्छा गाती थी। और हमारे एक भट्ट गुरु जी थे, तो गुरु जी रोज बोलते थे बेटा उस वाले गीत को गाओ समदेवा का द्वी दिन, तो नेगी जी का गीत है, बहुत अच्छा गीत। आज मैं थोड़ा थोड़ा सा ना आप लोगों को प्रत्येक गीत की जो मतलब मैं बचपन में गाती थी दो दो लाइनें जितना मुझे याद है ना, याद नहीं है
तो लिखा भी नहीं है। तो बचपन के जितने भी गीत मुझे, मतलब जिन गीतों को मैं गाती थी, दो दो लाइन सब गीतों की आप लोगों के सामने गाने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा गीत ही सुनाऊँ, जितना मुझे याद है ना, बचपन की बात थोड़ा थोड़ा याद रहती है, थोड़ा नहीं रहती है। फौज की नौकरी माजी चैना बॉर्डर माँ, फौज की नौकरी माजी चैना बॉर्डर माँ, माँ बिचारी बैठी भली अपना घर माँ, माँ बिचारी बैठी भली अपना घर माँ, दिन ने की छुट्टी मिलला डाक बटीन, वारंट ए जालो माजी पिछने बटीन, दिन ने की छुट्टी मिलला डाक बटीन, वारंट ए जालो माजी पिछने बटीन, छोटी बुली सरू तो नाराज न होई, तेरु कन्यादान देण किस्मत मानी रही, छोटी बुली सरू तो नाराज न होई, तेरु कन्यादान देण किस्मत मानी रही। तो मैंने आप लोगों को बचपन में गाए हुए गीत सुनाए हैं, और एक गीत में थोड़ा सा दो लाइन वो भी सुनाऊंगी। आजकल नारी की भगवती माँ चंडिका आ रखी है दीवारा, तो मैंने एक गीत सुना है, ड्यूट सॉन्ग है, किसी भाई और बहन ने ड्यूट में गा रखा है। तो मैंने गीत सभी सुने, लेकिन वो गीत पता नहीं मेरे दिल और दिमाग में एकदम से फिट हो गया। तो गीत है, कांदा सारी डोली माया कांदा सारी डोली, कांदा सारी डोली माया कांदा सारी डोली, जुगीरा जी रया मतेरी एरवालों की टोली, जुगीरा जी रया मतेरी एरवालों की टोली, अपनी एरवालों की टोली माँ, अपनी एर वालों की टोली माँ, भोली ना भूलई जान तेरु बर मठांगरू हाथ मान चई, अपनी एर वालों की टोली माँ, भोली ना भूलई जान तेरु बर मठांगरू हाथ मान चई। तो सच में माता रानी के साथ में जो एर वाले होते हैं, नंगे पैर इतनी कड़क धूप में चलते हैं, तो माता रानी को गीत के माध्यम से बहुत ही अच्छा संदेश है कि जो तेरे ऐर वालों की टोली है उनको कभी मत भूलना माँ, जिन्होंने नंगे पैर तेरे बर्मा ठांगरे को इतनी कड़क धूप में भी हाथों में नचाया है। तो माता रानी का आशीर्वाद वैसे तो अपने सभी भक्तों के साथ में रहता है, पर जो माँ के लिए दिन रात समर्पित हो रखे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा आशीर्वाद माता रानी देगी। अब माता रानी का यज्ञ बहुत ही जल्दी शुरू है, तो आप सभी लोग आना नारी की भगवती माँ चंडिका। तो अभी बिल्कुल शांत जैसा माहौल है और म्योली बास रही है बेडानी कांठी में। तो दोस्तों देखो आ गई है फाइनली बारिश। मैंने आप लोगों से बोला था कि जब बारिश आएगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगी नीचे, तो बारिश की संभावना जल्दी, मतलब देर से थी मुझे, पर जल्दी आ गई तो बहुत अच्छा हुआ। भगवान माता रानी तेज की बारिश लाना, मतलब रवाड़ा भवड़ी में मत लाना, उसको ढका दे ते न्यार मत इधर, ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम कम चाहिए, लेकिन चाहिए बारिश, क्योंकि धूल धूल उड़ रही है और हमें खेतों में काम करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। बारिश आएगी तो घास भी अच्छी हो जाएगी, पशुओं के लिए चारा पत्ती हरी हरी हो जाएगी और हमारे लिए भी काम करने में आसानी हो जाएगी। जुगीरा